इतिहास लिखने की भारत में परंपरा नहीं थी। ये इतिहास लेखन की परंपरा मुसलमानों ने अंग्रेजों ने सिखाई। अपने यहां इतिहास को क्या कहते थे? वार्ता। बातों में इतिहास था, कहानियों में इतिहास था। आप महाभारत पढ़िए, हजारों कहानियां हैं उसके अंदर। ये क्रमबद्ध इतिहास लिखने की यहां परंपरा नहीं थी। इसलिए जब ये इतिहास लिखने की परंपरा चली तो हमारी जो इतिहास की परंपरा थी वो टूट गई। और ये दुनिया जैसा झूठा पाकर इतिहास लिखती है, वैसा ही हमारे यहां भी इतिहास लिखा था। इतिहास लिखने के पहले कौन सा देश है, क्या परिस्थिति है, उसमें किस समाज की क्या स्थिति है, इस सब का मूल्यांकन पहले होना चाहिए। उसके बाद इतिहास लिख करके उसका विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन ये इस देश के अंदर हुआ ही नहीं। इस देश में तो जिस किसी ने जो कुछ लिख दिया उसी की नकल होती चली गई। आपको एक उदाहरण बताता हूं। राजा मान सिंह आमेर, उनका इतिहास जो है वो अगर वास्तव में इतिहास लिखने की दृष्टि से लिखा गया होता तो वो आदमी आज राजस्थान के सबसे महान आदमी में गिना जाता। सन 1573 में अकबर सूरत की लड़ाई में गया था। वहां पर अकबर पर शक्तिपात हुआ। पहले के राजा लोग, चाहे बादशाह हो, चाहे नवाब हो, चाहे बड़े सेठ साहूकार हो, संतों के दरबार में जाया करते थे, वहां उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे, उनकी सेवा करते थे। अकबर भी जाता था, हिंदू संतों के यहां भी जाता था, मुसलमान संतों के यहां भी जाता था। तो उसके किसी संत की कृपा से शक्तिपात हो गया और वो पागलपने की स्थिति में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली, सीने में तलवार लगा करके मुंह की तरफ से भेद पर लगा करके अपने सीने में घुसेड़ने लगा। उस समय सारे मुसलमान जो उसके वफादार थे मौजूद थे। जो क्षत्रिय राजा थे कम थे, वो भी मौजूद थे। किसी ने अकबर को बचाने की कोशिश नहीं की। तब राजा मान सिंह आमेर, जिसकी उम्र उस समय केवल 22 वर्ष की थी, उसका बाप मौजूद था, उसका दादा मौजूद था, जाकर के तलवार को खींच लिया, अकबर को बचा दिया। ये बड़ी भारी इस देश का इतिहास बनाने वाली घटना थी, जिसका कहीं कोई प्रचार नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध से 3 साल पहले की यह घटना है। राणा प्रताप और मान सिंह दोनों का नाम इतिहास के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही चमका है। उससे पहले कोई नहीं जानता था इनको। उस समय मान सिंह का न तो कोई महत्व था और न ही उसके ने कोई इतिहास रचता था। लेकिन उसके पास एक भविष्य दृष्टि थी। वो जानता था कि आज अकबर की आवश्यकता है इस देश को बचाने के लिए।